हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं ऐसे चारपाई पे दरी बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस तरह साड़ी में से पट्टियां काट लेंगे और फिर गोला बनाएंगे इन पट्टियों से। ऐसे सारे पट्टियां जोड़ ली हैं ये मैंने और ये गोला बना लिया। अब इसका एक छोर लेके यहाँ बांध लेंगे चारपाई के कोने पे, 7 इंच दूरी पे मैं बांध रही हूँ। इस तरह ऐसे बांध लें और ऐसे दरी को पूरेंगे। इसी तरह ये दरी हम पूर लेते हैं। तो ये देखिए दरी हमारी पूर गई है। अब हम इसको बनाएंगे। तो अभी मैं ये दिखा देती हूँ कि मैंने ये डिजाइन वाली भी दरी बनाई है। ये मैंने छोटी दरी बनाई है चप्पल जूता रखने वाले रैक पे। ऐसे ये पाई, इसको पायदान भी बना सकते हैं। इस तरह मैंने ये पूर के इसमें ऐसे डिजाइन बनाई है, जैसे ये मैं बना रही हूँ इसी तरह मैंने ये डिजाइन बनाई है। तो ये मैंने चौकोर डिजाइन बनाई है, इस तरह डिजाइन बनाए। तो ये देखिए मैंने एक रस्सी में दोनों कलर के कपड़े लगाए हैं ताकि ये जॉइंट हो जाए। एक ही रस्सी में मैंने इधर वाले कपड़ा लगाया और इधर वाला भी। तो अब हम इस दरी को बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह एक पट्टी लेंगे और ऐसे पहली डोरी में पट्टी को डाल के बनाएंगे ऐसे, फिर अंटा लगा के इस पट्टी को दूसरी डोरी में डालेंगे ऐसे ही, फिर अंटा लगाएंगे, फिर इसको तीसरी वाली डोरी में डालेंगे। तो इसी तरह ये दरी बनेगी। तो आप अगर दरी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह बनाएं। और ये मैंने चारपाई की पाटी के बीच में बना रही हूँ क्योंकि ये दोनों तरफ से हमें पाटी भरनी है दरी बना के। तो इस तरह आप भी बनाइए और इसी तरह ये लाइन पूरी कर लेंगे। तो ये लाइन मैंने पूरी कर ली है। अब यहाँ से इसको वापस करेंगे, इस पर दूसरी लाइन चलाएंगे ऐसे। तो इस तरह ये दरी बनेगी। ऐसे ही हमें इस पर लाइनें चलानी है। अगर आपके घर पे ज़्यादा फटे पुराने कपड़े हो गए हैं तो ऐसे दरी बनाइए और फालतू पड़े कपड़ों को सही यूज में लाइए। इस तरह दरी बन जाएगी और आपके कपड़े भी सारे काम में आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको ये दरी बनाना अच्छे से आ जाए। ऐसे जब पट्टी छोटी हो जाती है तो ऐसे दूसरी पट्टी हम जोड़ते हैं ऐसे, थोड़ी देर ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे बिनेंगे ताकि ये पट्टी निकल ना जाए। ऐसे एक दो घंटे लग जाएंगे फिर नहीं निकलती है। ऐसे ही ये दूसरी भी पट्टी छोटी है तो फिर से दूसरी पट्टी इसमें जोड़ लेते हैं ऐसे। नीचे पट्टी को रखेंगे ऐसे लिपेट लेंगे और ऐसे हमारी पट्टियां जुड़ जाती हैं। तो इसी तरह ये दरी बनाएंगे। तो ये देखिए इतनी दरी मैंने बना ली है। तो जब ये पाटी पे बन जाती है तो चारपाई को खड़ी कर लेते हैं और फिर चारपाई को खड़ी करके दरी को बनाएंगे इस तरह।
तो इस तरह ये दरी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी बनाई है, देखिए ऐसे इधर भी बनाई है। ऐसे ये चारपाई के दोनों तरफ दरी बनती है, इधर भी बनी है, ऐसे ही इधर बनी है। यहाँ से अब दरी को काट के निकाल लेंगे। तो ये मैं आपको दूसरी वाली दरी काट के दिखा देती हूँ। ऐसे हमें इसमें से दरी काट के निकालनी है। ये दरी वाली पट्टी पट्टी काटनी है, चारपाई वाली ना पट्टी कटें, चारपाई वाली रस्सी ना काटें, दरी वाली रस्सी काट लें इस तरह, और ये दरी निकल जाएगी। तो ये देखिए इतनी दरी मैंने काट ली है, देखिए दोनों तरफ से दरी निकलने लगी है। इधर ये भी निकल गई है, इतनी लटक गई है दरी। ऐसे ही चारपाई में से ये दरी निकल जाएगी, ऐसे ही दरी भी निकल रही है। तो ये देखिए इतनी दरी और मैंने काट ली है। ऐसे दरी को काटते जाएंगे और चारपाई में से निकालेंगे। ये देखिए हमारी दरी चारपाई में से निकल गई है। इस तरह चारपाई में से दरी निकालेंगे। तो आप ये चारपाई हटा देते हैं हम, और इसको चारपाई को बिछा के इस पर दरी बिछाएंगे। तो ये देखिए दरी भी हमने बिछा ली है। तो देखिए कितनी अच्छी दरी हमारी बन गई है। इस तरह दरी बनाइए, ऐसे ही ये दूसरी तरफ भी होती है, दोनों तरफ ये दरी एक जैसी बनती है, किधर से भी बिछा सकते हैं। और इसके ऐसे छोर हैं तो इनको हम बांधेंगे, ऐसे दो पट्टी लेके एक दूसरे में बांध देंगे, ऐसे गीट लगाएंगे दो पट्टियों में, ऐसे ही सारी पट्टियां हम बांध लेंगे। तो ये मैंने सारी पट्टियां बांध ली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।